हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मतलब कोई मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है। एंड आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। आप लोग जानती हैं कि हमारे अगस्ता भाई, अगस्ता चौहान द प्रो राइडर 1000, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। पहले तो गाइस मैं दुआ करूंगा, पहले उनकी फैमिली को भगवान इतनी शक्ति दे कि भाई वो ये दुख झेल सके। एंड गाइस चलो बात कर लेते हैं जो अभी जो ये बेफालतू के टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं अगस्ता भाई को लेके, जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज कमाने आ रहे हैं। उनकी डेथ के बाद लोग यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज़ बटोर रहे हैं, बेफालतू की बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, वो बातें बना बना के बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है आमिर माजिद ने अगस्ता भाई को मार दिया, कोई बोल रहा है 300 प्लस की स्पीड थी और एक्सीडेंट हो गया। मतलब सबके अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं। कोई बोल रहा है हिट एंड रन का केस है। अब देखो तीन चार चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा अपने पॉइंट रखने चाहिए। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ एंड मैं भी मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी मोटो व्लॉगर हूँ। तो भाई हमारी कम्युनिटी से एक बंदा आज इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे को भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। एंड काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई लोग मेरे को बोल रहे हैं सिद्धू भैया आपने अभी तक कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई, मुझे DMs आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो भाई देखो मैं ना इन सब चीज़ों पढ़ना नहीं चाह रहा था, वरना लोग मेरे को ही बोलेंगे आ गया व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो भाई मैं किसी की मौत का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कुछ दिन से वीडियोज़ वगैरह नहीं डाली, ना मैं इस बारे में कोई बात कर रहा था। मैंने बस इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी और एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोग पहले बात कर लेते हैं कि बंदा 300 की स्पीड पर था या फिर नहीं। तो भाई मैं आपको बताऊं 300 की स्पीड कितनी होती है। सीरियसली यूं बंदा पलक झपकते हो जाता है एंड 300 की स्पीड मेंटेन करना भाई कितनी बड़ी बात है अपने आप में आपको समझ आ रहा है। जो ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि अपने अगस्ता भाई 300 की स्पीड पर थे, भाई चूती हो तुम। 300 की स्पीड कितनी होती है वो आप लोग अच्छे से जानते हो भाई। अगर 300 की स्पीड बंदा होता ना खलारा फैल जाना था, खलारा पूरा, मतलब बाइक का एक एक पार्ट ना ऐसे बिखरा होता, उसे समेट ही नहीं पाता। एंड सेम यही बात उनके डैड ने भी बोली है। तो आप पहले एक क्लिप देख लो। ये 300 पे तो नहीं था पहले, तो इसको आप भी मौके बिल्कुल ठीक। अगर 300 पे एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होते। बिल्कुल कहीं। अब जितने भी उतने बात है, जितने यूट्यूब चैनल सबके अपने अपने कंटेंट बना लो, जब हर कोई बना सकता है। सही बात। कोई लिख देगा 300 के बाद, कोई लिख देगा 290, किसको सच मानेंगे। यही लखन बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि उनके डैड भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि उनका लड़का 300 की स्पीड पर नहीं था, हमारे अगस्ता भाई 300 की स्पीड पर नहीं थे। एंड सेम चीज़ आमिर माजिद ने भी बोली है, बट उनका कहना यह है कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है टायर फटने की वजह से। तो आप ये भी क्लिप एक बार चेक कर लो। भाई नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, मैंने खुद बाइक जाके भी देखा था, तो बाइक का जो बैक साइड का टायर था वो फट चुका था भाई। अगस्ता के सिस्टर के साथ भी बात हुई एंड टायर वगैरह ब्लास्ट होने के कारण जो है ये सारी दुर्घटना हुई है। एंड काफी लोग जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि आमिर माजिद ने पीछे से हिट किया है तब जाके अगस्ता भाई की डेथ हुई है। भाई तुम क्या मतलब लोग क्या बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलने में लगे पड़े हैं, कुछ भी कुछ पता नहीं तो बोले जा रहे हैं। भाई जिस तरह से उनका टायर का पीछे का अलॉय मुड़ा हुआ है ना, जो बैंड हो रखा है ना, कोई भी बाइक इतनी जोर से अगर हिट करेगी तो पीछे वाली भी गिरेगी और आगे वाली भी गिरेगी। अगर इस तरीके से बाइक हिट करेंगी ना तो दोनों गिरेंगी। आमिर माजिद की बाइक पे एक स्क्रैच नहीं था भाई, एक भी स्क्रैच नहीं था। तो बेफालतू किसी बंदे को ब्लेम क्यों कर रहे हो, वो बंदा भाई आगे चले गया था। एंड काफ़ी लोग बोल रहे हैं, एक आजकल एक ऑडियो वायरल हो रही है, मैं उस ऑडियो को प्ले नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने वो सुन ली है। एंड उस ऑडियो में वो चूतिया आदमी ये बोल रहा है कि भाई आमिर माजिद आगे चले गया था, उसे यही नहीं पता कि पीछे उसका बंदा है या फिर नहीं। भाई वो स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक है, वो सुपर बाइक है मेरे भाई, वो सुपर बाइक है। और उस बाइक का एग्जॉस्ट इतना लाउड है भाई, अगर वो बाइक सिर्फ कोल्ड स्टार्ट के लिए खड़ी ना तो तुम्हें भाई दूसरी बात सुनाई नहीं देगी। तो भाई तुम राइड कर रहे हो, कहाँ से पीछे कुछ समझ आएगा। फिर भी ना आमिर माजिद भाई अपने मिरर में चेक करता रहता है कि भाई पीछे राइडर्स है या फिर राइडर्स हैं या फिर नहीं, वो देखता रहता है। मैंने उसके व्लॉग्स में देखा है भाई, मैं व्लॉग्स देखता हूँ भाई के जो आप लोग बात कर रहे हो। तो भाई आमिर देखो ये सब तो क्लियर है कि भाई आमिर माजिद ने उसको नहीं मारा है। पहला वो बंदा रो रहा है उस बंदे के लिए, वो बंदा कैसे मार सकता है उस बंदे को, वो बंदा रो रहा है एंड इतना मतलब उसको देख के मतलब आप लोग समझ जाओगे। पहले अभी क्लिप देख लो फिर बताना मेरे को कि आमिर माजिद ने उसको मारा या फिर नहीं। तो ये वाला जो फ्रेंड था ये मेरा आखिरी फ्रेंड था, इसके बाद मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगा।
ये दुनिया कैसी है, मेरे को अच्छे से मालूम चल गया। मैं जब घर से निकला हूँ मेरा एक ही काम था, मेरी फैमिली को पालना। मेरे को उनके लिए कुछ करना है। सेम अगस्त अभी अपनी लाइफ में सारी चीजें खुद से खरीदना चाहता था, वो उसके पेरेंट्स जानते थे सारी चीजें, मेरी पेरेंट्स से बात हुई। तो ये कुछ गोल्डन मेमोरीज जो थी ये मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। देख रहे हो इसके तरह अपने आप में भाई रो रहे हैं। एंड एक बात निकल के आ रही है कि भाई हिट एंड रन का केस है, तो मे भी शायद भाई हिट एंड रन का केस हो सकता है, क्योंकि पीछे वाला जो अलॉय है वो भाई बहुत ज्यादा बैंड हो रखा है। उसकी फोटो आप लोग एक बार देख लो। देख रहे हो गाइस इस तरह से जो है अलॉय पूरा पीछे बैंड हो रखा है। जो कावासाकी भाई अपने आप में इतनी हार्ड रफ एंड टफ बाइक बनाती ना, मैं वो क्या बताऊँ, उसका अलॉय भाई बैंड हो गया है। तो मे भी शायद ये टायर फटने से हो सकता है, टायर फटा एंड किसी गड्ढे में घुसा। जो आगरा और दिल्ली का हाईवे था ना, मतलब उसमें एक बैंड आया, तो शायद टायर उस पर लगा एंड वो फट गया होगा टायर में भी। बट अपने अगस्ता भाई इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि भाई वो अपने टायर चेक नहीं कराएंगे? तो भाई टायर फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि टायर फट जाएगा, क्योंकि भाई बंदा राइड पर निकला तो अपनी बाइक की एक एक चीज़ चेक करेगा कि इसमें टायर नया डाला हुआ है, फिर कुछ भी है ए टू जेड सब चेक करेगा ना। तो बस यही चीज़ें काफ़ी हो रही थी। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हिट एंड रन का केस है या फिर टायर फटा है या फिर आमिर माजिद ने पीछे से मारा है। भाई तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आमिर माजिद ने उसको नहीं मारा है ना। पहले ये चीज़ क्लियर कर लो अपने दिमाग में। एंड काफ़ी सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं जो भाई मजाक बना रहे हैं इन सब चीज़ों का। खेल हो गया, उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि भाई बेफालतू चीज़ें हैं, उन पर गौर मत करो भाई। गाइस वो देखो जो उनके करीबी लोग बना रहे हैं, उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही है, उन पर क्या बीत रही है भाई, उनसे जानो। ऐसे भाई फेक न्यूज़ मत फैलाओ। बस मैं यही बोलना आया था आप लोगों से कि जो ये चल रहा है आजकल ये बहुत गलत है हमारे रास्ता भाई के लिए, बहुत गलत गलत चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो गाइस बस मैं आप लोगों को यही बताने आया था। एंड भाई के लिए ओम शांति नीचे लिख देना। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं। बट जो मैं आजकल वीडियो, मैं 3 दिन से बस यही वीडियोस देख रहा हूं और कुछ प्रूफ्स मैंने इकट्ठे किए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। एंड मैं वेट कर रहा था आमिर भाई की वीडियो आने का। अगर वो बंदा ना वीडियो नहीं डालता ना, तो सच बता रहा हूं सारा केस उस पर आ जाना था कि उसने उस बंदे को हिट किया है। एंड लास्ट में आमिर माजिद भाई ने अपनी बाइक भी दिखाई थी कि भाई देख लो उनकी बाइक से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो भाई समझो इस बात को, दिमाग लगाओ, किसी पर झूठा ब्लेम मत करो। कोई भी ये मत बोलो कि हम आमिर माजिद ने अपने प्रो राइडर को मारा है। भाई कोई बंदा इतना नीचे नहीं गिर सकता कि वो अपने साथ के बंदे को मार देगा। और उस बंदे से क्या जलस यार, आमिर माजिद फेम में उससे आ गया है भाई, सब्सक्राइबर में उससे ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपीरियंस आमिर माजिद को ज़्यादा है। तो भाई किस बात से जलेगा वो बंदा, किस बात से अगस्ता भाई से आमिर माजिद जलेगा, कोई मुझे समझाएगा क्या? छोड़ो सारे भाई लोग, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो भाई दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। बस मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए सब चीज़ें, तो मैंने करी। एंड अगर आपको बुरी लगी हो मेरी कोई बातें, तो दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा सबको। एंड ये कुछ लास्ट स्लिप की फ़ोटो है हमारे अगस्ता भाई की, आप देख लो। एंड जाते जाते एक कॉमेंट ज़रूर करते जाना। चोरी हुआ है उसमें पूरे डिटेल तो पता लग जाएगा जिसके बाद।